देखेंगे मेरे साथ देश दुनिया गांव शहर की हर वो खबर जो दस्तक देगी आपकी सोच पर और रूबरू कराएगी आपको समाज की जमीनी हकीकत से। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिनसे स्कूल में शौचालय साफ कराया जाता है, शिक्षा के नाम पर जहां शिक्षा के मंदिर के पुजारी ही भद्दी भद्दी गालियां देते हो, उन बच्चों के हाथ से कैसे संवरेगा भारत का भविष्य। ताजा प्रकरण बिहार के जनपद वैशाली जिले के गरोल प्रखंड के भकनपुरा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ छलावा और धोखा है। विद्यालय का शिक्षक मौलाना फखरुद्दीन बड़े फकर के साथ बच्चों को गरियाता है। शिक्षक प्रियंका व शिक्षक पप्पू बच्चों से शौचालय साफ कराते हैं और हद तो तब हो जाती है कि श्रीमान प्राचार्य परवेज आलम इन अवैधानिक कृत्यों को आंख मूंद कर देखते रहते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है स्कूल में? सर एक दिन आए थे स्कूल जी, तो स्कूल आते तो जस्मिन दीदी बोली थी कि चलो पैखाना साफ कर, जब नहीं जाते थे तो बच्चे ले गए जी, तो पैखाना साफ करवाया। क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, जबरदस्ती किया जा रहा है आप लोगों के साथ जी? उनका नाम क्या है जो आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? वो यहाँ की क्या है स्कूल की? और टीचर्स लोग भी आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? यहाँ पढ़ाई सही ढंग से होती है? कितने सब्जेक्ट होते हैं यहाँ? कितने पीरियड लिए जाते हैं? और बच्चों आपके साथ कोई समस्या हो रही है? नहीं, हमको साथ समस्या नहीं हो रही, लेकिन उसको परवेश्वरी ना पैर नंबर पूछे थे ना। आगे आ जाओ रे बाबू, इधर इधर कॉन्सेंट्रेट, अभी मैच खत्म। गाली दिया है आपको? जी बात होगा गाली दिया जाता है आप लोगों को? कौन देते हैं? उनका नाम जानते हैं? उनका नाम आपका नाम? नाम मोहम्मद फखरुद्दीन जी। आप बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके पास बच्चे गाली सीखने आते हैं या शिक्षा लेने आते हैं? ये बिल्कुल गलत है जी, बच्चे जो बोल रहे हैं वो गलत है। गलत है, कभी माँ जी डांटे होंगे किसी बात पर, सबक नहीं दिया होगा, नहीं लिखा होगा सही से, तो डांटे होंगे। बच्चा तो आपके खिलाफ साफ बोल रहा है कि आप हमें गाली दे रहे हैं। बच्चे से भी पूछना, उस बच्चे से भी पूछे, उस बच्चे से पूछो लीजिए उससे। क्या गाली देते हैं? और कोई बच्चा सुने है ना आसपास वाला? हाँ, क्या गाली दिया बाबू तुमको? प्रिंसिपल बात, प्रिंसिपल बात, बोलो बोलो, प्रिंसिपल बात हमारे में ठेल दी, पूछिए ना सर। तोबा तोबा, गलत बात, ऐसा ऐसा हम बोले? हम तो बच्चों को सिखाते हैं। सोचिए मुख्यमंत्री जी, जिस लालू राज को आप जंगल राज कहते थे, वहीं आपके शासन में भारत के होनहार शौच उठा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, तो आपका शासन सुशासन है या दुशासन? और आपके इन कुकर्मियों की पोल खोलने वाले पत्रकार सिर्फ इसलिए धमकाए जा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ सुशासन है, तो इससे अच्छा होता कि बिहार में पत्रकार अपनी कलम रख दे और अपनी आवाज को मौन कर ले। WNN 360 न्यूज के लिए बिहार की राजधानी पटना से कैमरामैन मोहम्मद आफरीदी इदरीसी के साथ संवाददाता मोहम्मद आलमगीर की रिपोर्ट।